नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम अलैकुम। मैं आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने मनचाहे जिंदगी गुजार रहे होंगे। सो आज की वीडियो होने वाली है जबरदस्त। सो चलिए आज के टाइटल के ऊपर जाते हैं। सो आज के टाइटल है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, सो स्वैत वैली ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड जैसा एक जगह है, सो स्वैत वैली बोलते हैं उसको। सो उसके ऊपर वीडियो है, सो देखते हैं कैसा है, उसके बाद रखते हैं मन की बात। सो जिन लोगों ने अभी तक बहुत सारे प्यार और सपोर्ट दे रखे हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन वीडियो करते हैं। सो अगर आपको पसंद है ऐसे वीडियो देखना और सो आपको इस चैनल पे और भी कुछ जानने को मिला है तो नीचे कमेंट में जाके जरूर अपने मन की बात जरूर रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के अंत में जाके, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं, उसके बाद देते मन की बात। सो काउंट आउट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सो ये पाकिस्तान का एक जगह जो स्वैत वैली बोलते हैं उसकी लुक है। भाई 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 कमाल
खत्म हो गया यार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा और जबरदस्त जबरदस्त था यार, दिल खुश हो गया यार। और जैसे दिखाए गए जितने भी पुरानी चीज़ है, पुरानी इमारतें, पुरानी जो घूमने के लिए चीज़ें थी, और उसको थोड़ा बड़ा तोड़ वो जो टूट गया था, और बाकी सारे चीज़ जैसे कि जैसे थी, और बहुत सारे छोटे छोटे टेंट्स थे, बहुत ही खूबसूरत और जगह वैसी थी, इसलिए बहुत ही दिल को सुकून मिलने वाली जगह थी, बहुत ही खूबसूरत था। नहीं कहाँ कोई एकदम पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, और जैसे कि जो एटमॉस्फेयर भी कितना साफ और सुथरा, और पानी भी कितना स्वच्छ था, और जो जगह दिखाई गई थी इतना खूबसूरत था, वहाँ पे कचरा था ना, वहाँ पे ऐसे चीज़ था, सो इसलिए दिल जीत गया। सो बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ था और हरा भरा भरा हुआ था। सो ये वीडियो कैसे मिस हो गया मेरे से पहले। सो मैंने ये वीडियो नहीं देखा था, सो मैंने यूट्यूब से निकाला ये वीडियो। सो मेरे को बहुत ही दिल में लग गया यार, ऐसे जगह भी है हमारे यहाँ पर। सो ये हालांकि पाकिस्तान में पड़ता है, सो स्वेट वैली बोलते हैं इसको। सो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है ये। सो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर जाके विजिट करिए, बहुत ही खूबसूरत लगा है यहाँ से देखने से। सो ऑब्वियसली वहाँ पे भी ऐसे ही है, सो जाके ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का उतना बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही ऐसी है, सो इस वजह से भी और बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे बातें फैला देती है यहाँ पे। हालांकि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी पहले आती है, सो बहुत लोग इंडिया के बारे में अच्छे बोलते हैं, पाकिस्तान से इंडिया से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में अच्छे बोलते हैं। सो ये एक मैसेज भी होगा, और जैसे कि हम लोग मजबूर भी है ना देश के अंदर है, इसलिए मजबूर भी है कोई ऐसे पॉजिटिव और ऐसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि देश के अंदर इंटरनेशनली दोनों गवर्नमेंट के इश्यूज़ है, अपने अपने चीज़ें हैं। सो इस वजह से भी और बहुत सारी चीज़ों से भी हम लोग को बना हुआ है, सो इसलिए हम लोग खुद के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंसान इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे नेपाल का हो, कहीं से भी हो, लेकिन इंसान इंसान ही होती है। सो ये एक सोचने वाली बात है, और ऑब्वियसली इसमें वीडियो के थ्रू भी यही मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों के लिए। भले एक आदमी खराब हो सकते हैं, लेकिन सारे आदमी वैसे नहीं होते हैं। सो बहुत प्यार भी करते हैं हम लोग पाकिस्तान के लोगों से। हालांकि सरकार के ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ें, इसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के लिए झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। सो ये हालात नहीं है, तो इंसान के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ हम लोग को बहुत सारे इंटरव्यू और बहुत सारे चीज़ों में सीखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। सो यही मैसेज देना चाहता हूँ। सो बहुत ही प्यार करते हैं हम लोग आपसे भी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही प्यार करेंगे। सो एक दूसरे के बॉन्डिंग में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और एक आने वाले जनरेशन के लिए एक पीसफुल जनरेशन होगा। सो यही वीडियो के थ्रू भी मैसेज देना चाहता हूँ, और वीडियो तो उम्दा था, सो इसका प्राइस लेस है। सो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, और जगह भी ऐसी ऐसी थी, जो नेचुरल वीडियो बोलते हैं ना वही चीज़ था। सो बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही मज़ा आया देखने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप लोग को इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए, और अगर आपको पसंद है तो ऐसे वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे अपने मन की बात भी जरूर रखिए, और वीडियो के लिंक सजेशन करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हंसते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।